उसे मानती है दुनिया, उसे ढूंढती है मंजिल, उसे ढूंढती है मंजिल, रहे इश्क़े मुस्तफा पे जो गुलाम चल रहा है। मेरे प्यारे प्यारे और मीठे मीठे ईसाई भाइयों, गुनाह गुनाह है और कब्र में जाने के बाद ये गुनाह जो है कहीं फंसा कर हमें ना रख दे। हजरत सैयदना इमाम इब्ने हजर मक्की अलैह रहमतुल्लाह अल-कवी फरमा रहे कि मेरे साथ ये वाकया पेश आया है। हुआ यूं कि जब मैं छोटा था तो पाबंदी से अपने वालिद माजिद रहमतुल्लाह ताला अलैह की कब्र पर हाजिरी दिया करता और कुरान शरीफ की तिलावत किया करता। एक मरतबा रमजान उल मुबारक में नमाज फजर के फौरन बाद कब्रिस्तान गया और गालिबन वो रमजान का आखिरी अशरा बल्कि शब कद्र गुजार कर 27वां रोजा था। नमाज फजर के फौरन बाद उस वक्त कब्रिस्तान में मेरे अलावा कोई ना था। बहरहाल अभी मैंने अपने वालिद माजिद अलैह रहमतुल्लाह अल वाजिद की कब्र के करीब बैठकर कुरान करीम का कुछ हिस्सा ही पढ़ा था कि अचानक शदीद आहो बुका और रोने धोने की आवाज सुनी। रोने वाला बार बार आ आ आ कह रहा था। चूने से तैयार शुदा चमकदार सफेद कब्र से निकलने वाली उस आवाज ने मुझे घबराहट में मुब्तला कर दिया तो मैं किराअत छोड़कर वो आवाज सुनने लगा। मैंने कब्र के अंदर से अजाब की आवाज सुनी। अजाब में मुबतला शख्स इस तरह आहो जारी कर रहा था जिसे सुनने से दिल में कलक और घबराहट पैदा हो रही थी। मैं कुछ देर तक वो आवाज सुनता रहा, फिर जब दिन खूब रोशन हो गया तो वो आवाज सुनाई देना बंद हो गई। फिर जब एक आदमी यहाँ से गुजरा तो मैंने उससे पूछा, ये किसकी कब्र है? तो उसने बताया, ये फुला की कब्र है। मैंने उस शख्स को बचपन में देखा करता था कि ये कसरत से मस्जिद में आता जाता, नमाजों को अपने औकात में अदा करता और फजूल बातों से भी परहेज करता था और इसकी इस कब्र के अजाब की हालत से मुझे बड़ी हैरत हुई कि तो बड़ा नेक आदमी था। और मुझे ये एहसास होने लगा कि ये बज़ाहिर नेक आदमी था लेकिन ऐसा लगता है कि इसने बड़े बड़े गुनाह किए होंगे और ज़ाहिरी तौर पर यह इसने अपने आप को नेक शो किया होगा। फिर मैंने मालूमात की तो पता चला कि ये तो ताजिर था और जब बूढ़ा हो गया और इसके पास माल कम रह गया तो इसने अपने पास जो थोड़ी बहुत रकम थी वो सूद पर चढ़ा दी और वो सूद के जरिए अपनी गुजर औकात करने लगा और अब इसी हाल में वो मरा। तो यूं वो रमज़ान में बल्कि शबे कद्र के मौके पर भी दर्दनाक अजाब से दो चार था। तो जो लोग सूदी कारोबार करते और सूद को प्रॉफिट कहकर मन को मना लेते हैं कि तो ये तो नफ़ा है, सूद नहीं है, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, तो नाम बदल देने से सूद की हकीकत ख़त्म नहीं हो जाएगी। सूद जबकि वो सूद है तो फिर सूद ही है, ये नफ़ा नहीं है, ये ज़ाहरी नफ़ा नज़र आता है, हकीकत में वल्ला बिल्ला तल्ला बहुत बड़ा नुकसान है, तबाहकुन है सूद खोर। क़यामत के रोज़ इस तरह उठेगा कि मखबूतुल हवास होगा, पागल की तरह उठेगा और शदीद सर के दर्द में वो मुब्तला होगा। तो सूद अगर तर्क करने से आपको यूँ लगता है कि आपका कारोबार टूट जाए, यार टूट जाने दो इससे पहले कि आपका दम टूटे, वरना आपका दम टूटा तो फिर कारोबार तो टूटेगा लेकिन ये कारोबार चिमटेगा ऐसा कि फिर आपको कोई छोड़ा नहीं सकेगा अगर रब नाराज़ हुआ तो। लेकिन ये कन्फर्म है कि जब रब ने फरमा दिया सूद में खैर नहीं है तो भाई खैर नहीं है। चुनाचे पारा तीसरा सूरतुल बकरा आयत नंबर 276 में इरशाद होता है, यमहकुल्लाहु रिबा व युरबिस सदकात वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ल कफ्फारिन असीम। अल्लाह हलाक करता है सूद को और बढ़ाता है खैरात को और अल्लाह
کو پسند نہیں آتا کوئی ناشکرا بڑا گناہگار. اس کی تفسیر میں نور العرفان میں حضرت مفسر شہیر مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان فرماتے ہیں، اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے، ایک یہ کہ مومن کے لیے سود میں برکت نہیں، یہ کافر کی غذا ہو سکتی ہے مومن کی نہیں. گندگی کا کیڑا گندگی کھا کر جیتا ہے، بلبل پھول کو. لہذا اپنے آپ کو کفار پر قیاس نہ کرو. کافر سود لے کر ترقی کرے گا، مومن زکوٰۃ دے کر. دوسرے یہ کہ سود کے پیسے سے زکوٰۃ خیرات قبول نہیں ہوتے اور بڑھاتا ہے خیرات کو. اس کے تحت فرماتے ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی، دنیا میں برکت دے کر آخرت میں ایک کا ساتھ سو یا اس سے بھی زیادہ عطا فرما کر. اور اللہ کو پسند نہیں آتا کوئی ناشکرا بڑا گناہگار. اس کے تحت فرماتے ہیں معلوم ہوا کہ حرام کا مرتکب یعنی حرام کرنے والا ناشکرا بھی ہے گناہگار بھی. اطاعت شکر ہے اور مطیع یعنی فرما بردار شکر گزار ہے. تو بہرحال میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سے بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ قبر کا معاملہ کتنا بھیانک ہے اور سود کے سا خوفناک وبال ہے کہ قبر میں بھی پھنسا دیتا اور قیامت میں بھی پھنسائے گا. حدیث معراج میں کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مشہور روایت ہے کہ ایک منظر یہ بھی دیکھا، کچھ لوگ ایسے دیکھے کہ جن کے پیٹ کوٹھڑیوں کی مثل تھے اور ٹرانسپیرنٹ آر پار نظر آتا تھا، ان میں کانچ کی جیسے بوتل ہوتی ہے نا جو بھی ہوتا نظر آتا ہے، تو اس میں سانپ اور بچھو بھرے تھے جو اس کو کاٹ رہے تھے اور وہ چلا رہے تھے. آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ یہ لوگ دنیا میں سود کھاتے تھے. میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، سود خوری سے توبہ کیجئے، کم کھائیے مگر حلال کا کھائیے، ورنہ یہ حرام کے جو لقمے ہیں نا یہ بہت مہنگے پڑ جائیں گے جب قبر میں جائیں گے. اسے مانتی ہے دنیا، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، اسے ڈھونڈتی ہے منزل، رہے عشق مصطفیٰ پہ.